तो यहाँ जो आप इतनी गाड़ी देख रहे हैं जी, इसमें से कुछ गाड़ी जो है पर्सनल यूज के लिए है और कुछ गाड़ी जो है कमर्शियल पर्पस के लिए है। तो अगर आप लोग कटिहार से या पूर्णिया से हैं या सिलीगुड़ी से या भागलपुर से या किसी भी जगह आसपास से हैं, तो आपको जो है गाड़ी भी अवेलेबल हो जाएगा, चाहे आपको एयरपोर्ट जाना हो, चाहे आपको स्टेशन जाना हो, चाहे आपको कहीं भी जाना हो। तो कल है जी विश्वकर्मा पूजा, और विश्वकर्मा पूजा को लेकर के जो है खरीदारी करनी है, अभी तक खरीदारी हुई भी नहीं है, तो हम लोग चलते हैं। अच्छा, तीज का नायक है भी है, तो दो दो जो पर्व है एक साथ ही हो गया है, एक तीज और एक भगवान विश्वकर्मा का। तो गाड़ी को भी धुलवाना है, अभी तो धुलवाया नहीं है, कल चलेंगे और कल जो है गाड़ी को धुलवाएंगे। फिलहाल चलते हैं मार्केट, मार्केट से फल लाना है, प्रसाद लाना है और बाकी माला सब लाना है, तो चलते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद जी पहुंच गए मार्केट, और जैसे ही मार्केट पहुंचे अपने पर्व त्योहार की जो है खरीदारी शुरू कर दी। पर काफी अच्छा भी लगता है जी पर्व त्योहार की खरीदारी करना, अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी रहती है उससे थोड़ा सा पल जो है हटकर हम लोग अपने भगवान के लिए समय बिताते हैं, अपने लिए समय बिताते हैं। इसलिए कोशिश करते हैं कि जब भी कोई भी पर्व त्योहार आए उसे मन से मनाए और पूरी ऊर्जा के साथ मनाए। घर से निकल रहे थे तो माँ ने खास तौर पर कहा था मिट्टी का यह जो बर्तन है इसको जरूर लेकर के आने। तो हमने जिया को कहा कि कुछ भी भूल जाना, ये तो बिल्कुल मत भूलना, वरना माँ से पड़ेगी बहुत ही तेज डांट। तो जिया यहाँ पर खरीद रही है मिट्टी का बर्तन, और साथ में हमें लेना है जी पूजा के लिए कम से कम 5 तरह का फल। तो ले लो ना अच्छा वाला, जो थोड़ा टाइट हो, हरा वाला तो बिल्कुल नहीं लेना। जिया यहाँ पर ले रही है जी सेब, और सेब जो है कितना 100 रुपया दे देता। फल मटका प्रसाद जो तो लगभग सारा काम हो गया जी, अब बचा है कुछ और चीज, तो जिया यहाँ करके ले रही है। हम लोग घर पहुंच चुके हैं और क्रियांश आते ही है। क्रियांश को बाइक पे घूमना था, और क्रियांश बाइक पे घूमा ना था, अंदर जैसे आए 2-3 राउंड घुमाया आपने ना, कहता है मुझे नहीं 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 क्यों मन नहीं भरा है, इसको और घूमना है। इसको लग रहा था कि मैं उतारूंगी बाइक से, तो मुझे कहता नहीं नहीं अभी भी घूमने के मन है, देख रहे शोर मचा रहा है। आज है जी विश्वकर्मा पूजा, तो गाड़ी लेकर के चल रहे हैं अपने साले साहब के यहाँ, वहाँ पर पंडित जी आएंगे और उनकी भी गाड़ी का पूजा होना है, साथ में हमारी गाड़ी का भी पूजा हो जाएगा। तो फिलहाल चलते हैं, वहाँ जाने से पहले जो है कुछ प्रसाद ले लेते हैं, प्रसाद के लिए जो है मिठाई लेना होगा, तो चलते हैं अंदर। और क्रियांश इधर स्टेयरिंग पे है, बाय क्रियांश, बाय, अभी देखेगा भी नहीं, अभी मस्त है गाड़ी चलाने में। हाँ चलिए जी, मिठाई ले लिया और मिठाई लेकर के चलते हैं। पकड़ना जिया इसको, हाँ हो गया, ये मिठाई रख लो, मिठाई रख लो। आप क्रियांश उधर जाना नहीं चाहेगा, मिठाई ले लो। पापा इधर ड्राइव कर रहे हैं हाफ पैंट पहन के, जैसे पापा को तो ड्रेस ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ? पापा के पास ड्रेस ही नहीं है क्रियांश, और पापा जब भी मार्केट जाते हैं तो ड्रेस लेते हैं, और जब मैं कहती हूँ कि ले लो तो ले तो लेते हैं, लेकिन फिर भी कपड़े नहीं रहते। और मैं फाइनली अब पहुँचने वाली हूँ अब अपने मायके। यहाँ पे मूर्ति बढ़ती है, पता है आपको, और उधर है गोलू। हाय गोलू, हाय हाय। फाइनली पहुँच चुका है अपने नानी घर, और रोया है तुम एक बार भी। तो यहाँ पे गाड़ी धुला रहा है। हाय ग्रो, हाय। प्रियांश यहाँ पे सभी बच्चों के साथ खेल रहा है और सबको डांट रहा है, बप बप जो भी उसे नानी कर रहा है। तो ये हमारी गाड़ी धुल चुकी है, अब जाएगी अंदर। तो यहाँ पर जी सारा गाड़ी लगा हुआ है एक एक करके, और यहाँ पर देख सकते हैं सारी गाड़ी जो है धुल चुकी है, और इन सभी के धुलने के बाद अब इंतजार है पंडित जी के आने का, तो वो आएंगे। और इसके अलावा भी एक दो गाड़ी अभी और है जो यहाँ पर लगेगी, और यहाँ पर बाइक सब भी अपना धुला हुआ है। तो जिया इधर कर रही है तैयारी जी प्रसाद की, तो यहाँ पर जो है प्रसाद के लिए तैयार किया जा रहा है। ये क्या आटा है ना, आटा है, इसको घी में भुना। अच्छा, घी में फ्राई करेगी, ओके। और उधर हमारा क्रियांश जो है सो गया है बेड पे।
बिल्कुल, वैसे इसका जो है टाइम हो जाता है लगभग 12 से 1 बजे के बीच में सो जाता है, लेकिन यहाँ थोड़ा लेट से सोया, यहाँ खेलने के पीछे था ना, इधर उधर घूम रहा था खूब अच्छे से। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे चाय बनाने के लिए, पंडित जी के लिए चाय बनाना था, और यहाँ पे इतनी अच्छी धूप आ रही है, इधर देख सकते हैं इन दोनों को सोया हुआ। तो पंडित जी आ गए हैं जी, और अब बारी है पूजा करने की, तो अब जो है पूजा शुरू भी हो चुकी है। और क्रियांश बुलेट चलाएगा अपना, क्रियांश की तरफ देखेंगे नहीं, वरना जहाँ देखेगा पापा है इधर, वहाँ गोद से आ जाएगा। सभी गाड़ी में जो है स्वास्तिक का लगभग निशान लग चुका है, देख सकते हैं जितनी भी गाड़ी है सभी में, यहाँ ट्रैक्टर पर भी, और अब गाड़ी का आगे जो है यहाँ यहाँ लगाया जा रहा है लाइन, वहाँ भी ठीक से फिसल नहीं जाना गाड़ी से। अब जितना भी गाड़ी है जी सभी पर भी ठहर तो लग चुका है, उसके बाद सभी जगह चढ़ाया जाएगा प्रसाद। तो यह मोलू का साइकिल है, और इसके अलावा जो है यहाँ पर गाड़ी अपनी, वहाँ पर भी यह प्रसाद डाला जाएगा। ये हॉर्न कौन बजा रहा है? क्रियांश क्रियांश बजा रहा है हॉर्न, ओए ओए क्रियांश। तो क्रियांश को जो है निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्रियांश निकलना नहीं चाह रहा। हाँ, तो क्रियांश एकदम लगता है पिछले 15 मिनट से यहीं पर है लगभग, और क्रियांश अभी निकलने के मूड में भी नहीं है। अब देखना बस प्रसाद तो फेंकना दे, बस दूर रख दो। यही भोग लगा दे। तो यहाँ जो आप इतनी गाड़ी देख रहे हैं जी, इसमें से कुछ गाड़ी जो है पर्सनल यूज के लिए है, और कुछ गाड़ी जो है कमर्शियल पर्पस के लिए है जी। हाँ, हमारे साली साहब का जो है ट्रांसपोर्ट का भी काम है, तो उसमें भी उनका गाड़ी लगा रहता है। तो अगर आप लोग कटिहार से या पूर्णिया से हैं, या सिलीगुड़ी से या भागलपुर से या किसी भी जगह आसपास से हैं, तो आपको जो है गाड़ी भी अवेलेबल हो जाएगा, चाहे आपको एयरपोर्ट जाना हो, चाहे आपको स्टेशन जाना हो, चाहे आपको कहीं भी जाना हो। तो उनका नंबर जो है हम यहाँ पर डाल देंगे, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से जो है आप सीधा बातचीत करके आप जो है अपनी गाड़ी जो है बुक कर सकते हैं, कहीं भी आपको जाना हो। गाड़ी सब जो है बाहर घूम रहा है, तो वो सब गाड़ी यहाँ पर नहीं है जो आपको नहीं दिख रहा है। और एक फॉर्चूनर भी है, तो फॉर्चूनर भी का कमर्शियल पर्पस पर लगा हुआ है। तो हम नंबर डाल देंगे, और नंबर जो है जी आप में से बहुत लोग शायद सोच रहे होंगे हमारे साली साहब का नंबर होगा, नहीं वो इनका जो मैनेजर होगा, बिल्कुल इनका जो मैनेजर है इनका वह नंबर होगा, तो उनका मैनेजर से बातचीत हो जाएगी। ये बात हम पहले ही क्लियर कर देते हैं, क्योंकि बहुत लोग जो है इस उम्मीद में रहेंगे कि यह नंबर जो है हमारे साली साहब का होगा, उनके ज़रिए जो है फिर बातचीत हो जाएगी। तो जी बातचीत होगी, लेकिन इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जो है पर्सनल नंबर डालना जो है सही नहीं रहता है। बाकी हम लोग मीटअप करेंगे, वहाँ पर मुलाकात करेंगे सभी से, और जितने भी आसपास के क्रिएटर हैं वो सब भी आइएगा, और वहाँ पर आपको जो भी कोलैब करना हो, जो भी प्रमोशन करना हो, सब कुछ हो जाएगा जी। और एक बात कह दीजिए, हाँ, ये फिलहाल कटिहार में ही सर्विस दे पा रहे हैं। हाँ, अगर बाहर से दूर से कोई अगर कॉल करेंगे तो उनको सर्विस नहीं दे पाएंगे। अच्छा, कटिहार और कटिहार के पास भी है ना, पूर्णिया हो गया, भागलपुर हो गया, भागलपुर तक दे सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, मतलब ऑल ओवर इंडिया से, बिहार से बाहर नहीं हो पाएगा, बिहार से बाहर। वैसे वो हम क्लियर कर दिए, कटिहार पूर्णिया भागलपुर सिलीगुड़ी ये सब आसपास, अररिया ये सब। और कटिहार में तो निफिक्र रहिए कि कटिहार में मिल जाएगा सर्विस आपको अच्छे से। तो जी नंबर फिर से आपको यहाँ पर डाल दिए हैं, आप वहाँ पर जाकर के बेधड़क कॉल कीजिए। तो आपको बता दिया जी अपने बिजनेस के बारे में, उम्मीद करते हैं आपका प्यार और सपोर्ट जो है जरूर मिलेगा हमें। और बाकी आप चलते हैं पूजा की तरफ, और भगवान विश्वकर्मा से भी प्रार्थना करते हैं कि इस बिजनेस में जो है हमारे सारे साहब को जो है उन्नति दे। सबसे अच्छा क्या लग रहा था कि आसपास के जो बच्चे थे वह सब भी आ गए थे पूजा देखने के लिए। कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, देख सकते हैं कुर्सी पर बैठ करके पूजा का आनंद ले रहे हैं। और बगल में भी विश्वकर्मा पूजा किया जा रहा था जी। हाँ, हमारे साली साहब के घर के पास में जो एक वर्कशॉप है जहाँ पर लोहे सब का काम होता है, तो वहाँ भी भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति बैठाई गई थी, जिसे देखकर काफी अच्छा लग रहा था। और बाकी अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का एक ड्रोन शॉट। कैसा लगा जी यह ड्रोन शॉट आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी फूफा जी समेत सभी लोग जो हैं बाहर आ गए हैं,
और इस पंडित जी की जो है खास बात यही है कि यह जो है पूरे विधि विधान से पूजा करवाते हैं। ऐसा होता है नहीं जी, आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, आजकल पंडित जी भी जो है थोड़ा बहुत भागदौड़ करने लग गए हैं। जो पूजा पहले 3 घंटा 4 घंटे तक चल रहा होता था, आजकल वह 1 घंटे आधे घंटे में समाप्त हो जाता है। देखा है जी, हाँ जी, बड़े बड़े शहरों में ऐसा हो रहा होता है। और बाकी यहाँ जो हमारे पंडित जी जो है काफी अच्छे हैं, और देख सकते हैं जी एक एक विधि विधान पूरे नियम के साथ पूजा हो रहा है। और फूफा जी आए हुए हैं सभी गाड़ियों के पास, और सभी गाड़ी के जो है एक एक करके पूजा की जा रही है। पूजा हो रही है लास्ट गाड़ी की। अरे मेरा माथा मत गिरा दीजिएगा। तो फलमूल नैवेद्यादीन चतुर्थ चक्र वाहनाय नमः स्वजंत्राकार विश्वकर्मणि नमः। प्रियांश कहे हो गया जय जी। यहाँ पर सारा पूजा हो गया, और साथ में हमारी दो जो गैजेट है, हाँ। तो यह भी विश्वकर्मा भगवान का ही कृपा है जो ये पास में है। और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि यहाँ जितना भी वाहन है या कोई भी चीज है, तो सबसे ज्यादा जो लगता है कि रिस्की जो है वो यह है ड्रोन, कहीं भी जाके फंस जाता है। तो इसकी भी पूजा करवा लिए है, और उम्मीद करते हैं ये हमारा साथ देगा। और अभी ड्रोन खरीदे हुए लगभग हुआ है कितना, 6 महीना भी नहीं हुआ होगा। 6 महीना, तो इतने ही टाइम में जो है बहुत बार रिस्क से यह गुजर चुका है। कई बार भगवान करे सब में साथ दे, इसमें भी साथ दे, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क पर यही है। और बाकी ये है हमारे लिए विश्वकर्मा जी, सरस्वती जी, सब कुछ है। तो चलते हैं, और फिलहाल अभी हवन होने वाला है, तो सब लोग उसमें चल करके शामिल होते हैं। और यहाँ क्रियाज होता है तब तक ठीक रहता है, गाड़ी में ही बैठना है, इसको गाड़ी में रखेंगे। बाइक क्रियाज जाओ, देख लो खुशी, देख लो इसको, समझ गया कि जा रहे हम गाड़ी में, गाड़ी में बैठ के हॉर्न बजाता है खाली। क्रियांश की ये गाड़ी है, क्रियांश की यही गाड़ी है, हाँ वही तो, साइज के अकॉर्डिंग क्रियांश की गाड़ी है। हॉर्न उन बजाने आता ही है, गाड़ी स्टार्ट करना आता ही है, देख लो बजा रहा है, बजा रहा है, ये देखो घुमा रहा है, ये देखना कहीं चक्काओं का घुमा रहा है। स्वतंत्राकार विश्वकर्मणे नमः स्वाहा, स्वतंत्राकार विश्वकर्मणे नमः स्वाहा, स्वतंत्राकार विश्वकर्मणे नमः स्वाहा, श्री सत्यनारायणाय नमः स्वाहा, श्री सत्यनारायणाय नमः स्वाहा, श्री सत्यनारायणाय नमः स्वाहा। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापकर्ता प्राय मा पुण्डरीकाक्ष सर्व पाप हरिहरि मद्गत आशयंत जनयंत देवा स्वाहा। पूजा हो गई जी खत्म, और अब बारी है जितनी भी गाड़ी है सभी को आरती दिखाने की। और यहाँ जो किया जाता है, यह किया जाता है सभी गाड़ी को ऑन करके, तो देख सकते हैं जितनी भी गाड़ी है सभी आपको यहाँ पर ऑन नजर आ रही होगी। ये गाड़ी, वो गाड़ी, ये मोटरसाइकिल तक, उधर ट्रैक्टर, ये गाड़ी, वो गाड़ी, तो देख रहे हैं। जी पूजा पाठ हो गया, और सभी लोग जो है प्रसाद खा चुके हैं, और अब बारी है यहाँ से विदाई की। मैं आना चाह रहा है। अच्छा, यही रहेगा क्या? ना जाओ यहाँ पर, दे दो और भी है, दे दो, यहाँ वेस्ट ही जाएगा।